वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों ने दो वीडियोस ऑलरेडी बना लिया है मेन का। आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसे चेक कर सकते हैं। तो आज भी हम मेन पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो हम लोगों ने किया था वो इंडिविजुअल सीरीज़ का था, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्क्रीट सीरीज़ का होगा। यानी मेन टुडे वी विल डिस्कस मेन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़। इसमें क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी दिए रहते हैं, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, x एंड f कुछ ऐसा दिया हुआ है हमारा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, कुछ ऐसा दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, 2, 4, 7, 10, 11, 8, 4, 2 और यहाँ पे एक और है 20 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास x भी दिया हुआ है f भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे अब इसका मीन निकालेंगे। जो मीन होगी वो डायरेक्ट मेथड से हम निकालेंगे, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से नहीं, डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड को कभी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, जनरली उसमें पूछता नहीं है, वो जानना था इसलिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। तो चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो कॉलम बनाएंगे एक साइड एक्स का एंड दूसरे साइड एफ का, ठीक है। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 एक्स में जितने भी हम लोगों ने लिख लिया, और फ्रीक्वेंसी जो है फिर हम उसे लिखेंगे 1, 2, 4, 7, 10, 11, 8, 4, 2, 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, थर्ड जो कॉलम है उसमें हम f इंटू एक्स यानी x और f का मल्टीपल लिखेंगे, ओके। तो 11 इंटू 1 11, 12 इंटू 2 24, 13 इंटू 4 52, 14 इंटू 7 98, 15 इंटू 10 150, 16 इंटू 11 176, 17 इंटू 8 136, 18 इंटू 4 72, 19 इंटू 2 38 एंड 20 इंटू 1 20। तो ये हो गया हमारा एफ एक्स। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ यानी हम फ्रीक्वेंसी को टोटल ऐड करेंगे, तो टोटल ऐड करने के बाद ये हमारा आएगा 50, और उसी तरह सिग्मा एफ एक्स जब हम इससे ऐड करेंगे तो वो आएगा 777, ठीक है। तो हाँ, तो हमने क्या किया, इसे ऐड किया। अब इसका मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड के लिए, जैसे उसमें था हम लोग लास्ट डे जो किए थे मीन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला था उसमें हम क्या कर रहे थे, सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर गिवन। तो उसमें भी हमें बिल्कुल वैसे ही करना है, यानी जो हमारा फ्रीक्वेंस सिग्मा एफ एक्स है ये टोटल हो गया, और नंबर कितना है टोटल सिग्मा एफ इसका सम। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स में 777 है और सिग्मा एफ में 50 है, तो हम क्या करेंगे इसे डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड लगाने के बाद आएगा 15.54। तो यही हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और ये बहुत इजी है, और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जो थोड़ा सा लंबा है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मे बी नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जनरली ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग हमेशा डायरेक्ट मैथड के साथ जाएंगे, पहले एक्स और तीन कॉलम बनाएंगे जिसमें x और f लिखेंगे, फिर थर्ड वाले में f और x का प्रोडक्ट होगा, सिग्मा f को ऐड कर लेंगे और एफ एक्स को ऐड कर लेंगे, फिर उसे डिवाइड कर देंगे। तो यही हो गई हमारी मेन। आई होप मेरी ये जो कोशिश है आप लोगों को हेल्पफुल रही हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट मी इन द सेक्शन, मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद नम्रता। थैंक यू।